हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि हमारा टारगेट लेके चल रहा है। 90% प्लस स्कोर्स आपको करने हैं यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए। साथ ही साथ अगर आप किसी भी पीजीटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये कोई सारे क्वेश्चन। ये 22वां पार्ट है इसका। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 21 पार्ट आप लोगों से डिस्कस किए हैं। नहीं देखा है तो जाके देख लो, काफी इंपॉर्टेंट है और आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा इसका। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ कथन दिए गए हैं और कुछ उसके तर्क दिए गए हैं। हमें उसके अकॉर्डिंग हमें अपना करेक्ट आंसर चूज करना है। सबसे पहला ऐसा तरीका पता ही आप लोगों को, पढ़िए और ऑप्शन चूज कर लीजिए। अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन कंपेयर टू यूरोपियन स्टाइल प्रोवाइड मोर फ्रीडम, जो सबसे पहला चीज, ठीक है, टू ऑप्शन होल्डर इन एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। क्या बोलता है, अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन जो होता है वो हमारा यूरोपियन से ज्यादा हमें क्या देता है, फ्रीडम देता है ऑप्शन सेलिंग में। ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा फ्रीडम देता है। जी हाँ, ये बात सही है। ठीक है, कैसे फ्रीडम देता है, अकॉर्डिंग टू टाइम ड्यूरेशन पीरियड। ठीक है, जो अमेरिकन स्टाइल है वो एज पर कंपेरिजन यूरोपियन से ज्यादा फ्रीडम है टाइम ड्यूरेशन पे। हम वहां पर ज्यादा हमें टाइमिंग मिलती है। ठीक है, ये बात हो रही है आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। दूसरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है रीजन में। अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली एट स्पेसिफाइड डेट। देखो यहाँ पर बोल रहा है केवल स्पेसिफाइड डेट पर है। जब ऊपर में फ्रीडम मालूम चला और यहाँ पर स्पेसिफाइड डेट बोल रहा है, विच इज जनरली द एक्सपायरेशन डेट, मतलब कि जो एक्सपायरी डेट होती है हमारी उस पर ये काउंट होता है। जी नहीं, एक्सपायरी डेट पे तो काउंट होता ही नहीं है भाई। ये हमें फ्रीडम देती है। जब ऊपर में फ्रीडम की बात हो रही है तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर आर तो गलत है हमारा, बट जो ए है वो सही है। ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए 3 में ही ये ऑप्शन मिल रहा है, इसमें ए करेक्ट है हमारा और आर जो है वो रॉन्ग को डिनोट कर रहा है, जो कि प्रॉपरली सही है और राइट आंसर भी है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पूछ रहा है द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक मार्केट, पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा था पूरे वर्ल्ड का, आपको ये बताना है। मेरे ख्याल से इसका आंसर आप सभी को पता होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर है हमारा नैस्डैक, ऑप्शन नंबर 3 हमारा। अच्छा, नैस्डैक की जब बात हो रही है तो इसका आप लोगों को डेट भी पता होना चाहिए। बताइए किस डेट में ये एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये एस्टेब्लिश हुआ था हमारा 4 फरवरी 1971 को। ठीक है ना, फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो फुल फॉर्म भी याद रखना है आप लोगों को। फुल फॉर्म होता है इसका नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर ऑटोमेटेड क्वेश्चन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। एग्जाम में मे भी पूछ ले, तो नहीं भी पूछा जाए तो एज पर नॉलेज के लिए जरूर पूछा रखूंगा। फुल फॉर्म तो नहीं पूछेगा बट डेट पूछ सकता है शायद आपसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि जिसे HDI, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था हमें ये बताना है। सबसे पहले बात करते हैं आखिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या है। देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो चीज होता है जिसमें एक ह्यूमन के उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, मतलब उसकी लाइफ क्या चलेगी उसको देखा जाता है, उसकी एजुकेशन क्या है उसको देखा जाता है, उसने कितनी उसकी पर कैपिटल इनकम है वो देखा जाता है। ठीक है, वो कितने खर्च करता है, उसका लाइफ स्टाइल क्या, मतलब इन सभी चीजों को कंपेयर किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये दिया था हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि UNDP ने दिया था, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पूछ रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई The tools of physical policy, आपको बताना है कि physical policy में यहाँ पर जो 5 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन कौन सा चूज किया जाता है। बात करते हैं पहले physical policy होता क्या है। देखिए, physical policy वो चीज होती है कि एक गवर्नमेंट को जो इनकम और जो उसके खर्चे होते हैं, यानी कि जो एक्सपेंडिचर होते हैं, इन दोनों को जो कंपेरिजन हम लोग करते हैं, ये कहलाता है हमारा फिजिकल पॉलिसी वाले पार्ट में। यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर, अभी जस्ट हमने क्या लिखा, एक्सपेंसेस में लिखा है, तो ये चीज तो आएगी ही, पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया हमारा। देखो उसके बाद क्या आएगा, डिफिसिट फाइनेंसिंग आएगी, जो हमारा वित्तीय घाटा है वो आएगा। एक्सेशन, जो की गवर्नमेंट की अर्निंग है वो आएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन, जी नहीं, ओपन मार्केट ऑपरेशन हमारा यूज किया जाता है मनी को कंट्रोल करने के लिए, मनी के लिक्विडिटी को
कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है, और हमारा रिजर्व रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है कि अभी पैसे की वैल्यू क्या है, कैसे तरह से काम करना है या नहीं है इन चीजों के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 3 4, 1 3 4, ओके ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसमें हमारा क्या 1 और 3 और 4, ये तीनों चीजें हमें मिल रहा है। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। देखो एक सिंपल सा चीज, स्टैटिक बजट में यानी कि एक स्थिर बजट, स्टैटिक बजट है ना, मतलब एक फिक्स्ड बजट बना लिया आपने। इसे मैं फिक्स्ड बजट भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये इजी हो जाए, ये फिक्स्ड है मान के चलो। और ये क्या है, फ्लेक्सिबल बजट है जिसे आप जब चाहो तब चेंज कर सकते हो। ठीक है, देखो जो मैंने लिख दिया वही इसका डिफरेंट भी है। मतलब अगर आपको मैं बोलूं कि आपको मान लो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्शन का टारगेट है ना वो 1000 है, 1000 यूनिट का है, आपने क्या किया 1000 यूनिट के लिए कितनी कितनी बजट की नीड्स होगी, आपने उन सब चीजों को कैलकुलेट कर लिया। इससे ज्यादा आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते क्योंकि आपकी मशीन और आपके लेबर का कैपेसिटी नहीं है, ये मैक्सिमम है यानी कि 100% की बात हो रही है। तो अगर आपने इसके ऊपर कैलकुलेशन किया है तो ये फिक्स्ड बजट हो गया। ठीक है, अब मान लो आप प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर रहे हो, अभी 500 प्रोडक्शन ही हुआ था और अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉब्लम या कुछ ट्रबल्स या कुछ और भी चीजें चेंजेस करने के दौर पर आ गए, तो यहाँ पर जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, नीड होगी चेंज करने की, ये कहलाएगा फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, आई होप ये दोनों चीज समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए लिखा हुआ है, अ फ्लेक्सिबल बजट कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी प्रोडक्शन लेवल। भैया उससे आप किसी भी प्रोडक्शन ऑफ लेवल पे चाहो तो चेंज कर सकते हो। ठीक है, बट क्या बोलता है यहाँ पर, स्टैटिक बजट इज बेस्ड ऑन वन स्पेसिफिक लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि मैंने क्या बोला, 1000 यूनिट पे ये मैक्सिमम था, आप यहाँ पर अब सोच के चल रहे हो 500 में आपने कुछ कुछ चेंजेस कर दिया, ये आपका फ्लेक्सिबल हो गया। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए बाकी ऑप्शंस आप रीड कर सकते हो, डायरेक्टली मैंने आपको आंसर बता दिया, उसके भी हिसाब से मैंने टिक कर दिया। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ रिटायरिंग पार्टनर कंटिन्यू टू बी लाइबल फॉर ऑब्लिगेशंस इनकर्ड आफ्टर हिज रिटायरमेंट। अगर कोई पार्टनर, यानी कि पार्टनरशिप आपने पढ़ाई है, पार्टनरशिप में मान के चलो, चलो मैं बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ए बी सी यहाँ पार्टनर एक फर्म के, ऑर्गेनाइजेशन के, सपोज सी जो है वो रिटायर हो रहा है। ठीक है, अब अगर ये बंदा रिटायरमेंट ले रहा है, अपना रिटायरमेंट का दौर इसका आ गया है, ये रिटायर्ड हो रहा है, तो पूछ रहा है क्या जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे जो भी लाइबिलिटीज होगी, जो भी ऑब्लिगेशन होंगे, क्या उनको पे करने के लिए आफ्टर रिटायरमेंट क्या ये बंदा सी लाइबल होगा। अगर होगा, यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहले तो होगा नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है वो बंदा लाइबल होगा तो वो किस केस में लाइबल होगा आपको ये बताना है। देखो अगर वो बंदा लाइबिलिटीज पे करने के लिए लाइबल होगा तभी हो सकता है जब मान लो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मान लो ये बंदा जो है ना इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता था, लेकिन इसको पता ही नहीं है कि भैया सी जो है वो रिटायर ले लिया, इसे आज भी पता है कि ए बी सी ये पार्टनरशिप में चल रही है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो सी है वो लाइबिलिटी को पे करने के लिए लाइबल होगा। यानी कि मैंने जो बोला सब ध्यान से देखो और उस ऑप्शन को चूज करो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ ही डज नॉट गिव अ पब्लिक नोटिस, अगर वो बंदा पब्लिक नोटिस नहीं देता है कि मैंने वहां से रिटायरमेंट ले लिया है, तब तक वो लाइबिलिटीज पे करेगा, अदरवाइज वो लाइबल नहीं होगा वहां के ऑब्लिगेशंस का। क्लियर है, तो अब इस बंदे को देखो पता ही नहीं है ना, अगर आपने नोटिस दिया होता, पहले से नोटिस दिया होता, इस बंदे ने पढ़ लिया होता नोटिस और से मालूम चल जाता, बट आपने नोटिस दिया नहीं है तो इस बंदे को पता नहीं है। तो ये बंदा तीनों को जानता है ना, एबीसी और तीनों को जानता है, तो तीनों को ही होंगे। ठीक है ना, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा इरेज कर दूं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज ₹50,000, ओके यहाँ पर आप करेक्शन कर लेना, चलो ओपनिंग स्टॉक 50,000 का है, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास ₹60,000 का है, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो है ₹2,20,000 का। तो पूछ रहा है स्टॉक टर्न ओवर रेशियो कितना होगा। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक टर्न ओवर रेशियो, इसका अगर फॉर्मूला पता हो तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। अब एवरेज स्टॉक निकालने का तरीका मेरे ख्याल से पता ही होगा आप लोगों को, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। देखो ओपनिंग कितना है 50,000 है और क्लोजिंग कितना है 60,000 है, दोनों को ऐड कर देंगे कितना जाएगा 110,000 रुपया,
दो से डिवीजन दे दो कितना आ जाएगा, 55,000 रुपया। तो आपको एवरेज मिल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको 2,20,000 दिया हुआ ही है, तो 2,20,000 बटे में 55,000, 000 कट गया और ये 4 टाइम में कट जाएगा। राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 4, 3 आई मीन, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गया होगा, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप सभी लोग इसका प्रॉपर आंसर दे पाएंगे। इन व्हाट ऑर्डर द फॉलोइंग एसेट आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। आप सभी ने अपने 11th, 12th, ग्रेजुएशन कहीं ना कहीं तो बैलेंस शीट पढ़ा ही होगा, बिना पढ़े तो आप आ नहीं सकते हो। तो बैलेंस शीट जब आपने बनाया था तो एज पर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग में, ठीक है, हमें बैलेंस शीट को किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, विद इन ऑर्डर, या देखिएगा विद इन ऑर्डर, ये सभी सभी आपके बैलेंस शीट के पार्ट हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहला आता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड एसेट, यानी कि जिसमें आएंगे फर्नीचर और हमारे फिटिंग्स, यानी कि ये नंबर 1 मिल जाएगा इसको। उसके बाद हमारा आता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो ये रहा इन्वेस्टमेंट इन शेयर एंड डिवेंचर, तो ये हमारा आ गया सेकंड नंबर में। उसके बाद हमारे पास जो भी पार्ट्स होते हैं, उसके बाद ध्यान दीजिए करंट एसेट्स के पार्ट आते हैं। अब करंट एसेट दोनों हो गया, ट्रेड रिसीवेबल भी है और कैश भी है। तो अब यहाँ पर हम वैसे एसेट्स लाएंगे जो लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग पे काम करते हो। तो जो कम लिक्विड, जो सबसे ज्यादा लिक्विड है वो सबसे ज्यादा लास्ट में लाना है, उससे पहले हमें लिक्विड के अकॉर्डिंग देखना है। तो लिक्विड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ट्रेड रिसीवेबल से ज्यादा लिक्विड कैश है, तो कैश हमेशा लास्ट में। ऐसे ही बता दूं मैं आप लोगों को, कैश हमेशा बैलेंस शीट के लास्ट में ही प्रेजेंट किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2। ओके, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। दिया गया है स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 6 टाइम है, एवरेज स्टॉक है 8,000 रुपए का और सेलिंग प्राइस जो है वो दिया हुआ है 25% का, ठीक है 25% है। ओके, यहाँ पर आपको मे बी आना दिख रहा हो, ये 2,000 है, ये 4,000 है, ये 10,000 है, ये 12,000 है, यहाँ पर कुछ इश्यूज है। चलिए खैर कोई बात नहीं, आप इन्हें करेक्शन कर लेना, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर ये चीज है। अभी जस्ट हमने देखा था स्टॉक टर्न ओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था, COGS बाई एवरेज स्टॉक। तो STR कितना है हमारा, 6 है, COGS तो हमें पता नहीं है, लेकिन एवरेज स्टॉक पता है हमारे पास कितना है, 8,000 है। इसे उठा करके इधर ले आओ, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 48,000, ये क्या निकल गया, COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और यहाँ पर आप ध्यान से देखो 25% एवम है कॉस्ट का, तो इसका 25% निकाल लो, 25% निकालना है मतलब 50%, यानी कि 24, और 24 को और आधा करोगे तो 12,000। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। परसेंट का कैलकुलेशन देखो डायरेक्टली मैंने किया, डायरेक्टली कैसे किया, चलो आप करना क्या है आपको वो बता दूंगा एक बार, ये कर लेना 12,000 आ जाएगा, ठीक है। ये 25% है ना, और जो 48,000 है वो पूरा 100% है, 100% का आप आधा करोगे यानी ये 50%, 50 का आधा करोगे यानी 25%, दो बार इसे आधा किया, आप इसे भी दो बार आधा करो, एक बार आधा किया तो 24, एक बार और आधा किया तो 12, डायरेक्टली इस तरह से परसेंटेज निकाला करो, ठीक है। चलिए आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखता हूँ। आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, अ रेगुलर हाइपरबोला शेप्ड डिमांड कर्व ऑन ऑल इट्स पॉइंट हैज। हमें बताना है कि जो हमारा रेगुलर हाइपरबोला शेप जो बनता है डिमांड कर्व के लिए, वो किस बेसिस पर और उसका क्या आकार होता है, मतलब वो किस शेप पर, और ईडी जो होता है उसका ईडी क्या होता है, बेसिकली आपको ये बताना है। चलिए ग्राफ में बना के दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो कुछ इस तरह के इसकी ग्राफ बनती है, थोड़ा सा खराब बना रहा हूँ बट खैर कोई बात नहीं, चलो चल जाएगा, चलो चलेगा ये भी, ठीक है। यहाँ पर देखो ईडी जो होता है, यानी कि हमारा क्या हो गया, जो डिमांड जो कर्व हो जाता है वो हमेशा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। अब इक्वल टू 1 होता है तो यहाँ पर ऑप्शन चूज कीजिए, अब तो इजी हो गया, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू यूनिट, यूनिट यानी कि 1, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन, उम्मीद करते होंगे 10 में से आपने अच्छे स्कोर किए होंगे, जिनका 10 स्कोर है वो तो कहना नहीं है, सुपर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही है, जिनका कम है कोई बात नहीं, मेहनत करते रहो, लगे रहो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो चलिए फिर मिलता हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो, और आप सभी को राधे राधे।